आपने तो अब तक पठान का ट्रेलर देख ही लिया होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे सीन्स हैं जो ये मूवी कॉपी करती है दूसरे मूवीज से या सीरीज से। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर में एक स्काई डाइविंग वाला सीन है, जो सीन इंस्पायर्ड या कहूँ कॉपी लग रहा है फ्रॉम मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट एंड ट्रांसफॉर्मर डार्क ऑफ द मून। आगे एक सीन में हमें एसआरके और दीपिका पादुकोण एक कांच के बिल्डिंग से रस्सी से उतरते हुए दिखाई देते हैं, और वो सीन डायरेक्टली इंस्पायर या कहूँ कॉपी है फ्रॉम मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल का, जिसमें टॉम क्रूज बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ता है वो भी रोप से, और वो स्टंट उसने रियल में किया था। फिर आगे ट्रेलर में जो बर्फ में के सीन दिखाए गए हैं, वो भी स्ट्रेट कॉपी लगते हैं, बट वो स्ट्रेट कॉपी नहीं है बल्कि सिर्फ इंस्पिरेशन कहेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस 8 और जेम्स बॉन्ड के स्काईफॉल से। पठान ने एक एक सीन्स मार्वल से भी इंस्पायर होकर बहुत सारे किए हैं, जैसे वो ग्लाइडिंग सीन हो वो इंस्पायर हुआ है फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से, और प्रभास के साहों में से भी सारे सिमिलैरिटीज है। जहां तक मेरा मानना है, इंस्पिरेशन लेना ठीक है क्योंकि कोई भी वर्क उसका ओरिजिनल वर्क नहीं होता, वो भी किसी ने किसी से कॉपी किया ही होता है। आगे अगर मूवी में बहुत सारे सीन्स इंस्पायर्ड भी हुए तो कोई बात नहीं, होप कि कुछ तो डिफरेंट करेंगे अगर उन्होंने कोई इंस्पिरेशन ली है तभी भी। तो अगर आपको भी कोई और सिमिलैरिटीज पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, तब तक देखते रहिए रॉकी द वॉचर।